गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो और हमारे डेली ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हो। तो कल के ब्लॉग में देखा होगा आपने कि करवा चौथ स्पेशल कैसा था हमारा, कैसा हो गया हमारा करवा चौथ का सेलिब्रेशन, और आपका कैसा करवा चौथ सेलिब्रेशन कमेंट सेक्शन में बताना। हमारा बहुत अच्छे से हुआ था और हमने चांद देखने के लिए नीचे गए थे, तो देखा होगा आपने वीडियो में। तो आज मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ आपको वीडियो में पता लगने वाला है। मैं वीडियो के लिए तो रेडी नहीं हुई हूँ, तो आज की वीडियो में आपको पता लगने वाला है मैं जा कहाँ रही हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ दिल्ली में वेदर कैसा है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा धुंध हो चुकी है, आगे का दिख ही नहीं रहा कुछ भी। सो देखो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो अब बच चुके हैं दोपहर के दो, और दिख सकता है सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल धुंध धुंध सा हो चुका है। तो यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, पोल्यूशन हो रखा है, धूप भी बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल धूप नहीं है। अब बज चुके हैं दो, और दो बजे भी हमारे यहाँ धूप नहीं आ रही, दो तीन दिन से बिल्कुल धूप नहीं आ रही है। तो रेडी होके कहाँ जा रही हूँ आपको अभी पता लग जाएगा, तो आपको दिखाती हूँ। पीछे हो रखी मेरी बैग पैक, तो मैं बैग पैक करके कहाँ जा रही हूँ तो आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो चलो चलते हैं, दिखाती हूँ आपको वीडियो में आगे। तो ये लुक मेरा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आज कुछ नया लुक की हूँ, नया लुक है, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैंने पहन ली है ग्रीन कलर की कुर्ती, कमेंट सेक्शन में बताना ये कुर्ती कैसी लग रही है। और साथ में लिया है मैंने स्किन कलर का दुपट्टा, तो कमेंट सेक्शन में बताना। और ये पटियाला सूट है, आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं दिखाती हूँ मेरा लुक। तो चलो गए चलते हैं, अभी दिखाते हैं वीडियो में आगे कहाँ जा रहे हैं हम। तो यहाँ मेरी बैग है, तो इसको भी हम लेके चलेंगे साथ में। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको कुछ टाइम में। चलो गई, अभी मैं चल रही हूँ, पता लग जाएगा आगे वीडियो में जा कहाँ रही हूँ। तो चलते भी हमें लिफ्ट को बुला देती हूँ। चलो सो गई, अभी मैं आ रखी हूँ नीचे, तो चलते हैं, मिलते हैं जहाँ हमने जाना है वहाँ पे। तो यहाँ पे है मेरी बैग, यहाँ पे मेरी बैग, चलो चलते हैं अभी। पता लग जाएगा, अभी टाइम है हमारे ट्रेन आने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे देखो कितना सारा कोयला जा रहा है ट्रेन में। जो लोग बिजनेस करते होंगे उनके लिए कोयला, किसी को चाहिए क्या? बहुत अच्छा बिजनेस होता है कोयले का भी। तो यहाँ पे देखो कितना सारा कोयला जा रहा है। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन गाजियाबाद। अभी देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, धन्यवाद। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1249 फ्रॉम लखनऊ टू नई दिल्ली वाया कानपुर सेंट्रल जंक्शन अलीगढ़ जंक्शन is reported running late by 2 hours, 30 minutes. It is expected to arrive Mumbai Central से चलकर मुजफ्फरनगर, लुधियाना जंक्शन के रास्ते अमृतसर जंक्शन को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चल रही है। गोल्डन टेम्पल मेल मुंबई सेंट्रल से चलकर अमृतसर सेंट्रल को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 15:00 कैसे चल रहे
यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुकी हूँ और अभी आने वाली है मेरी ट्रेन। तो चलो गाइस, पहले मैं बैठ जाऊँगी ट्रेन में, उसके बाद आपको मिलती हूँ। मेरी ट्रेन आ चुकी थी 3:30 बजे और मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अब बज चुके 3:15। तो ट्रेन आती है, मैंने बैठ के अपना सामान सामान सेट कर लिया था, तो उसके बाद अभी मैं बैठ के शूट कर रही हूँ। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको कुछ टाइम। अब बज चुके 4:30 और 4:30 बजे मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो यहाँ पे मैंने केक खा लिया था और यहाँ पे फिर मैंने ले ली थी चाय और जो भेल होती है वो मैंने ले लिया था। तो ये है बाहर का व्यू और यहाँ पे मैंने लिया है चाय और साथ में है भेल, तो ये मैं खा लेती हूँ और चलो गाइस खा के मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं अपने चाय को कर लिए एंजॉय। ये है ट्रेन और मैं ट्रेन में बैठ के कर रही हूँ कहीं जाने की तैयारी। तो यहाँ पे अंधेरा होने लगा है और एक ट्रेन भी आ रही है। शाम के बज चुके 6:06 बजे का व्यू है, देखो कितना सारा अंधेरा हो रखा है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा होना शुरू हुआ है, ठंड आ चुकी है तो ठंड में बहुत जल्दी अंधेरा होता है। तो देखो बाहर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, ये ट्रेन का व्यू है। गाइस सब बज चुके शाम के 6:30 और ये 6:30 बजे का व्यू है। मैं पहुंच चुकी हूँ सहारनपुर स्टेशन और यहाँ पे देखो गरम गरम समोसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे गरम गरम समोसे मिल रहे हैं देखो, और ये है सहारनपुर का रेलवे स्टेशन। तो अभी हमें टाइम है पहुँचने के लिए, अभी हम ट्रेन में ही है, दिख सकते हैं आपको कि अब 6:30 बजे बहुत जल्दी अंधेरा होने लगा है। तो दोपहर को ही मैं बैठ गई थी गाज़ियाबाद से। तो कहाँ जा रही हूँ आपको ब्लॉग के एंड में पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पहुँचने वाली हूँ और कहाँ जाने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलो गाइस अभी मिलते हैं थोड़े टाइम में आपको। तो आपने देखा होगा कि अब बज चुके शाम के 7:30 और 7:30 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है और मुझे जाने में भी अभी टाइम है, अभी भी मैं ट्रेन में हूँ। तो कितने बजे पहुँच रही हूँ आपको आगे बता दूँगी। तो यहाँ पे देखो कुछ लोग बहुत सारे उतर चुके और कुछ लोग अभी है ट्रेन में। तो रात के 7:30 बजे का ये व्यू है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। तो चलो अभी बताती हूँ मैं कब पहुँचने वाली और कितने टाइम में पहुँचूँगी। मैं पहुंच चुकी हूँ स्टेशन पे और कहाँ आई हूँ अभी तक आपको सो भी बताऊंगी कहाँ पे आई हूँ लेकिन ब्लॉग के एंड में। तो जिस ट्रेन से मैं आई हूँ वो है ये ट्रेन। तो चलो अभी चलते हैं और आपको मिलते हैं जहाँ पे हम आए हैं, और ये ट्रेन है, इसी ट्रेन से मैं आई हूँ। अभी चलो चलते हैं, मिलते हैं सीधा घर पे। तो घर पहुँच गई हूँ गाइस मैं। गाइस यहाँ पे बजने लगे 10:30 और मैं पहुँच चुकी थी 10 बजे घर पे। मैंने खाना खुना खा लिया है और अभी मैं सोने लगी हूँ। तो चलो गाइस अभी सोती हूँ, मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में पंजाब में। तो चलो गाइस मिलते हैं सुबह। आज का ब्लॉग लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली और दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे फ्रेंड्स, बाय गाइस, गुड नाइट।